हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसी साइंस जोन। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जिसके अंतर्गत है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी और कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजन। ये सब को हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वहाँ पर आप तक से पहुँच जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कौन सा? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मतलब देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में तो उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं उसके अंतर्गत। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो वाटर में कैसे सॉल्युबल होता है, कुछ कुछ जो मैटर्स होते हैं वो कैसे सॉल्युबल होते हैं, तो देखते हैं इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर में देखेंगे तो बहुत सारे थिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल में लेते हैं आपका चॉक पाउडर, साल्ट, शुगर एंड सैंड पार्टिकल। इतना ही हम लोग एग्जांपल में लेते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एक वाटर कंटेनर लेते हैं, इसमें वाटर फिल करते हैं। वाटर फिल करने के बाद जैसे हम लोग चॉक पाउडर डालते हैं और एक में क्या करते हैं, शुगर डालते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, शुगर जो होता है इसमें सॉल्युबल हो जाता है, मतलब घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और आपका साल्ट जो होता है वो भी डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जो चॉक पाउडर जो होता है, चॉक पाउडर इसमें डिजॉल्व नहीं हो पाता है ना, तो इसको बोल सकते हैं कि इसमें सॉल्युबल है। तो इसको सॉल्युबल मटेरियल्स बोलेंगे। जैसे आपका साल्ट है, शुगर है, इसको सॉल्युबल मटेरियल्स बोलेंगे, और जिसको चॉक पाउडर है ये सबको, तो देखो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं चॉक पाउडर, साल्ट, शुगर और आपका कौन सा था, सैंड। तो इसमें से जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व नहीं हो पाता, जो साल्ट होता है वो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाता है ना, इसको बोलेंगे सॉल्युबल मटेरियल बोलेंगे या फिर मैटर बोलेंगे। और इसको इनसॉल्युबल, जैसे आपका सैंड पार्टिकल्स है वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाता, तो इसको इनसॉल्युबल मटेरियल बोलेंगे। साथ ही साथ जैसे क्या होता है, बहुत सारे थिंग्स है, जैसे कि आपका सोडा वाटर हो गया, उसमें सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट, शुगर है ना, और सोडा, ये सब क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो इसको लिक्विड सॉल्युबल है ना, लिक्विड सॉल्युबल मटेरियल बोल सकते हैं। और जैसे कि आपके पास क्या होता है, कुछ जो गैसेस होती है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता जैसे वाटर में। और साथ ही साथ कुछ जो गैसेस होते हैं, जैसे लाइक आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये बहुत जल्दी क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है ना, तो इसको बोल सकते हैं सॉल्युबल गैसेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और अगर लिक्विड में देखा जाए, सपोज हमारे पास लिक्विड में देखा जाए, नेक्स्ट एग्जांपल लिक्विड में देखते हैं, इसमें देखा जाए जैसे हमारे पास मिल्क हो गया और आपका कौन सा, ऑयल, ठीक है, और लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस। इसमें जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है मिल्क को या फिर आपका लेमन जूस को या फिर ऑयल को, तो इसमें क्या हो जाता है, लेमन जूस जो होता है यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, फिर डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जो आपका ऑयल जो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिजॉल्व नहीं होता, मतलब एक सेपरेट हो जाता है इसको, है ना, तो इसको बोलेंगे सॉल्युबल लिक्विड, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाता है उसको सॉल्युबल लिक्विड, और इसको इनसॉल्युबल लिक्विड, जैसे कि आपका ऑयल जो होता है वो सेपरेट नहीं हो पाता है, मतलब सॉरी सेपरेट हो जाता है यहाँ से, तो उसको बोलेंगे इनसॉल्युबल लिक्विड, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सेकंड नंबर पे देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब अगर देखा जाए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में तो बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं, जस्ट लाइक आपका आयरन का एग्जांपल लेते हैं, आयरन नेल्स, निकेल हो गया है ना, कोबाल्ट, ठीक है, ये सब में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, हमारे पास क्या होता है, प्लास्टिक थिंग्स हो गया आपका, ये आयरन हो गया, आल्पिन, ये सब प्रेजेंट है। तो जब इन सबको स्प्रेड कर दिया जाता है कहीं पे, एक वाइट पेपर में इन सबको स्प्रेड कर दिया जाता है, और स्प्रेड करने के बाद जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेड करने के बाद जब मैग्नेट को इसके पास लाते हैं, किसके पास, इसके पास लाते हैं, तो इसमें जो जिसमें मैग्नेट प्रॉपर्टी पाई जाती है,
जिसमें मैग्नेट प्रॉपर्टी पाई जाती है वो मैग्नेट के कॉन्टेक्ट में आ जाता है और उसमें अट्रैक्ट होने लग जाता है और उससे चिपक जाता है। सपोज इसमें से क्या होता है, आयरन जो होता है क्या होता है, मैग्नेट प्रॉपर्टी पाई जाती है और एल्पिन में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इसके साथ अट्रैक्ट होकर के क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि मैटर जो होता है उसमें मैग्नेट प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, हाँ अब इसमें देखते हैं, मैग्नेट प्रॉपर्टी पाई जाती है और जिस जो क्या कर रहा है आपका, ये मैग्नेट जो दिख रहा है उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, नॉन मैग्नेट प्रॉपर्टी है ना, या फिर नॉन मैग्नेट बोल सकते हैं उसको। जैसे आपका जो प्लास्टिक जो दिख रहा है, फिर वुडन जो वुड जो दिख रहा है, वो सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। और जो आयरन एल्पिन है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद ट्रांसपेरेंसी। कौन सा ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी तो ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन सा, अपैक, अपैक होता है, कौन कौन सा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और क्या होता है, ट्रांसलूसेंट है ना, ट्रांसलूसेंट मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या आपका ग्लास हो गया, ग्लास हो गया आपका, वुड हो गया, ठीक है, वुड हो गया और आपका वाइट पेपर, वाइट पेपर लाइटली कोटेड विथ ऑयल। ठीक है, तो इसमें सभी में देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ग्लास लेते हैं, ग्लास है आपका, उसमें हम लोग वाटर फिल करते हैं। वाटर फिल करने के बाद जैसे हम लोग इस बार कुछ बुक्स के वर्ड है उसको रीड करना चाहें, तो यहाँ पे हमको ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये कौन सा मटेरियल हो गया आपका, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया। और उसी तरीके से दूसरा नंबर देखा जाए, जैसे हमारे पास वुड है, अगर जितना वुड है अब उसके हम लोग आर पार देखना चाहें, यहाँ पर बुक रखो, लर्न करना चाहें, पढ़ना चाहें, तो क्या आपको दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा फॉर्म है, अपैक है ना, अपैक फॉर्म में है। और उसी तरीके से ट्रांसलूसेंट, जैसे इसमें बोला गया है वाइट पेपर लाइटली कोटेड विथ ऑयल है ना, इसमें देखते हैं तो वाइट पेपर लेते हैं, इसको हल्का लाइटली क्या करते हैं, सब ऑयल से कोट कर लेते हैं। अब देखने के बाद यहाँ पे कुछ जो वर्ड जो रहेगा उसमें हल्का हल्का हमको दिखाई देगा, तो इसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से थ्री फॉर्म में होता है आपका ट्रांसपेरेंसी में, आपका कौन सा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और आपका कौन सा, अपैक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी देखते हैं, सबसे पहले कंडक्टिविटी मीन्स, जैसे बहुत सारे जो आपका देखेंगे एग्जांपल के फॉर्म में, कि आपका घर में जनरली हम लोग कुकर देखे हैं, कुकर, ठीक है, कुकर को जब, कुकर में जब खाना पकाया जाता है, ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे चीज़ जो होते हैं, ऐसे गर्म, ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये हैंडल इसमें टच करके देखते हैं तो हमको जलता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक का एक कवर लगाया जाता है जिसको बोला जाता है बैकलाइट है ना, बैकलाइट लगाया जाता है जिसकी वजह से हमको गर्म नहीं लगता, मतलब हमारा हाथ जलता नहीं है। लेकिन जब सिंपल हमको बिना बैकलाइट के अगर कुकर के हैंडल को पकड़े तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो देखते हैं इसमें कंडक्टिविटी, तो सबसे पहले हीट की कंडक्टिविटी देखते हैं। जब हम यहाँ से हम लोग गर्म करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपका कंटेनर है, आपका वाटर कंटेनर है और उसको लगातार गर्म किया जाता है, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस तक से इसको गर्म किया जाता है और ये बॉइलिंग होता है, ठीक है, लगातार। अब इसी बॉइलिंग जो हो रहा है उसमें क्या डालते हैं, इसमें आपका स्पून डाल देते हैं, स्टील का एक स्पून डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं आपका एक वुडन, हाँ वुड का स्टाइल डाल देते हैं, ठीक है, या फिर एक लकड़ी का दफ्ती इसमें डाल देते हैं। तो जब हम दोनों में कंपेयर करके देखते हैं तो ये वाला जो पोर्शन जो होता है किसका, जो आपको चम्मच जो दिख रहा है आपका है ना, स्पून जो दिख रहा है, वो क्या होता है, इस साइड को जब छूते हैं तो आपको बहुत ही गर्माहट फील होता है, हीट है ना। और यहाँ पे देखते हैं जब किसका, जब आपका वुड जो है उसके इस सिरे को हम लोग टच करते हैं तो हमको गर्माहट फील नहीं होता, ना हमारा हाथ जलता है। तो देख सकते हैं कि आपका जो स्टील जो होता है इसमें हीट का कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी होने की वजह से क्या होता है, हमको गर्माहट फील होता है। और यहाँ इसमें कंडक्टिविटी है ना, हीट का कंडक्टिविटी न होने की वजह से हमको क्या लगता है, ठंडा महसूस होता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग सर्दी के दिनों में क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं ना, स्वेटर पहनते हैं, तो उसमें जो एयर जो होता है वो भी क्या होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता, पुअर कंडक्टर होता है। कैसे, जब हम लोग पहने रहते हैं आपका
स्वेटर पहने रहते हैं तो उसके अराउंड क्या होता है, एयर प्रेजेंट रहता है, लेकिन हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, हीट है, उसको बाहर जाने नहीं देता, मतलब वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता। तो इस तरीके से बोल सकते हैं एयर भी क्या आपका पुअर कंडक्टर है। कौन सा? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और इसमें जैसे देखो यहाँ पे जो बैकलाइट जो लगा है, ठीक है, बैकलाइट क्या है, प्लास्टिक कोटेड रहता है ना, प्लास्टिक कोटेड कवर रहता है जो कि इसके हैंडल में लगाया जाता है, जिसकी वजह से हीट इसमें ट्रांसमिट नहीं हो पाता और हमको हमारा हाथ नहीं जलता। ठीक है, ये हो गया कंडक्टिविटी में, हीट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कंडक्टिविटी इसके अंतर्गत ही, इसी में देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आप लोग सिंपल फॉर्म में देखे होंगे कि जैसे हमारे पास घर में जो क्या होता है आपका एक वायर रहता है, ठीक है, वायर के अराउंड क्या होता है, प्लास्टिक कोटेड कवर लगा रहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस प्लास्टिक कोटेड कवर को रिमूव कर देते हैं और जो वायर जो दिख रहा है उसको टच करते हैं तो हमको शॉक लगता है, करंट लगता है, मतलब इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वह कंडक्ट हो पाता है। ठीक है, और उसी तरीके से जब इसमें प्लास्टिक कोटेड जो कवर लगा है उसको हम लोग बिना रिमूव कर इसको टच करते हैं तो क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं हो पाती है ना। जाहिर सी बात है, मतलब ये जो प्लास्टिक का जो कवर होता है वो क्या करता है, बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। और इसमें जो वायर लगा है, क्या आपका वायर लगा, किसका, कॉपर का वायर लगा है, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाता है, अगर इस सिरों को हम लोग गलती से भी टच करते हैं तो हमको शॉक लगता है, ठीक है, अगर छीला है तब, अगर छीला नहीं है और इसके ऊपर को हम लोग टच करते हैं तो हमको शॉक नहीं लगता, मतलब ये क्या प्लास्टिक जो होता है आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल किसका बताया गया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में एक एग्जाम्पल है किसका, बल्ब का एग्जाम्पल बताया गया है। इसमें एक सिंपल सेल लिया गया, ठीक है, इसके टू टर्मिनल्स होते हैं, एक माइनस टर्मिनल होता है, ये सपोज माइनस वाला टर्मिनल है, ठीक है, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कौन सा, प्लस टर्मिनल। इसमें क्या लगा दिया जाता है, आपका सिक्का, ठीक है, कॉइन लगा दिया जाता है इसमें, और एक छोटा सा इसमें बल्ब इसमें लगा दिया जाता है, ठीक है, बल्ब इसमें ऐसे लगा दिया जाता है। तो जब यहाँ से क्या करते हैं, अब इसमें सिक्का से टच है ये बल्ब, और यहाँ पे क्या आपका ये माइनस है, माइनस टर्मिनल है, तो जब इसमें से कॉपर का जो वायर है वहाँ से ऐसे कनेक्ट करा करके इसमें से कंडक्ट कराया जाता है तो ये बल्ब क्या हो जाता है, लाइट अप हो जाता है। इससे जाहिर ये होता है कि इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें है और ये लाइट अप हो जाता है, मतलब माइनस और जो प्लस टर्मिनल जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये क्या होता है, बल्ब लाइट अप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें डिफ्यूजन, कौन सा, डिफ्यूजन को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं किसका, जैसे हमारे पास क्या होता है, अगरबत्ती जानते हो आप सब लोग, है ना, जैसे हमारे पास एक आपका रूम है, ये आपका रूम है, सपोज रूम में कहीं कोने पे क्या करते हैं हम लोग, अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, अगरबत्ती जलाते हैं तो इसमें जो स्मेल है, इसमें जो सुगंध है वो क्या होता है, धीरे धीरे किसके साथ, एयर के साथ मिक्स होकर के क्या पे पूरे रूम में क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो इसको बोल सकते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एयर के माध्यम से क्या हो रहा है आपका, पूरा स्प्रेड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब है ना। और उसी तरीके से सॉलिड लिक्विड या गैसेस के माध्यम से क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। सपोज एक एग्जाम्पल किसका लेते हैं, वाटर प्लस इंक, ठीक है, ये जो वाटर जो दिख रहा है उसमें क्या करते हैं, दो या थ्री ड्रॉप क्या करते हैं, इसमें इंक डालते हैं, तो जैसे इसमें इंक डालते हैं तो ये लिक्विड टू लिक्विड बोल सकते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में है तो क्या होता है, पूरा वाटर जो होता है किस कलर का, ब्लू कलर का हो जाता है। इससे बोल सकते हैं कि इसमें भी डिफ्यूजन है, मतलब ये किसी भी एक एरिया से क्या किया जाता है, ये पूरे एरिया में क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। और इसमें ये बोला गया कि सॉलिड लिक्विड या फिर जो गैसेज जो होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो जाता है, टोटली स्प्रेड हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, डिफ्यूजन कहलाता है। बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब क्या है, मैटर्स को क्या किया गया, इसमें क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मैटर्स को इसके बेस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं किसका, मैटर्स का, जो इन सभी ये सभी चीज़ उसमें प्रेजेंट होता है। तो लास्ट में बोल सकते हैं कि जो मैटर्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल फॉर्म में है ना, जैसे वाटर में सोलूबल होता है, डिफ्यूजन होता है उसमें, ट्रांसपेरेंसी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, या फिर हीट का कंडक्टिविटी, ये सब जो उसमें फीचर है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मैटर्स के बारे में इतना फीचर उसमें, तो इस तरीके से
ये सारे जो फीचर्स हैं मैटर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।